A day before 30th me getting ready for my back to school furry sea shopping D. Sweetest thing that could ever happened. I went to get my bag. Ek uncle the. And then he handed me over this and he was like, ye le aapke liye gift. It was so sweet, man. Nahi karta na koi aajkal, isliye it was so different and sweet. Now I'll show you. So this is Maheen's bag, okay. I can't show you pura bag. How am I? Okay, now. This is Maheen's pouch. Okay. I mean, the day before college begins was amazing. It was a sudden plan. It was cool. I enjoyed. And now I have to sleep. I'm sleep deprived. I need to sleep. And now I'm going to sleep and wake up in the morning, do a get ready with me, and we'll meet at the college. So I'm done, I'm ready, and I am being very emotional right now because what is wrong with my hair? I'm not emotional because of my hair. I'm really emotional because, you know, बचपन में आई यूज टू थिंक फल्ला ए लेवल्स की बाजियाँ आती हैं, यू नो, इट वाज जस्ट सो गुड. अभी भी इट्स सो गुड. मैंने ओरिएंटेशन ले लिया. मैं वो कैंपस पे आई थी. नहीं, हम तो घूमे थे ना. कोमा गुजा प्ले वू. वहाँ होते थे हम और अब हम यहाँ आ गए हैं. यहाँ इतने बड़े हो गए हम लोग. मलाइका जब हम खुला हुआ करेंगे, ठीक है? अभी थोड़ी खुला हुआ होगा, आज नहीं करेंगे, जब भी करेंगे. Oh my God. लाइब्रेरी से बुक लेना चाहिए पढ़ाई अपने, मतलब आदत लगी ना रीडिंग के लिए. Oh my God. ये मेरे तो ऑरेंज है, किसी का नहीं है क्या? तुम्हारा ऑरेंज है? Oh my God, अभी ये यूनिक है. हम सब इंसानों को सेव किया है. क्यूट क्यूट करे थे, आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा यहाँ से लेना चाहिए था. मैं एक्चुअली आएंगे, हमारा एक्सेंट चेंज हो गया. लाइक कयोटी, हाउ आर यू सिस्टर? क्यूट 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 कयोट. दिस इज सो ऑकवर्ड गाइस, लाइक इट्स आवर फर्स्ट डे. हम ड्रेस में वो मुझे इतना अजीब सा लगता है कि सीनियर्स देख रहे होंगे एंड दे विल बी लाइक कि ओ बच्चा आ गया. आई एम लाइक यार अजीब. हम तो ऐसा नहीं करते थे. अच्छा, हम तो धक्का मार के हमारी जगह से हटा देते थे. अरे छोटे थे वहाँ बैठते थे, हमारा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे. अजीब से बच्चा आके बैठ जाते थे, तो हम भी सीनियर्स से ऐसे ही होंगे कि अजीब बच्चा आ रहा है. उसी की जगह होगी ये. या प्रॉब्लम अब ये हमारी जगह. हम सोचते हैं हमको इंडोर गेम खेलना चाहिए क्योंकि मतलब बहुत बोर. कितने बज रहे हैं? आसमान जमीन पे गिर चुका है. चलो चलो गेम खेलना चलते हैं. चलो चलो. मतलब फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज अजीब सा, दिमाग खराब, छुट्टी और कोई अच्छा खासा चला गया, थोड़ा सा रहता है. ये कैसे ब्लीच कर लेना इसको.
मलाइका धोबी रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में के सांस भी कभी बहुत ही टन 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 टन। आओ ना इंट्रोड्यूस कर। माहीन, पहला दिन स्कूल का कैसा, सॉरी कॉलेज का कैसा लग रहा है? अरे क्या, मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा कि कॉलेज का दिन मेरा कैसा जा रहा है। ओ यमुना, पहला दिन कैसा गुजर रहा है कॉलेज का? आज सारे तो बहुत टेक्निकल है, ये उसके व्लॉग में जाएगा। नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। तुम्हारा कैसा जा रहा है? थैंक यू, मुझे आपने ये आशीर्वाद लो, मेरे पैर छूओ, पीपी मेरी कोना। अच्छा, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी फ्रेंड्स, लाइक इतना मजा आया मुझे फ्रेंड्स की क्लास, हम लोग सब इतने टाइम बाद साथ में एक क्लास में पढ़ रहे हैं। You guys are कहाँ हो तुम? That is how world is. लेकिन क्या लोग मजा आया, लेकिन वैसे मजा आया, like it was fun. That's amazing. अभी हम लोग कैफेटेरिया में हैं और हमारी क्लास नहीं है और हमारा मेरा 5 घंटे का ब्रेक था। वो सब तो ठीक है, मगर किसी ने पूछा तुम्हारे मुंह में पैम्पर, तुम्हारे मुंह में पेप्सी डाल दूंगी। पैम्पर क्या कर रही हो? लोग ना देखिए। अब तुम ऐसे आए हो, अब तुम ऐसे आए हो, अब मैं ये पिक्चर भी यू आर माई बी एफ एल ए एल ए डी, इसका मतलब होता है एंड लाइफ आफ्टर डेथ। ओके, मलाइका बिल्कुल गंदी हालत हो गई है। अब तुम बोलोगी पहले कौन सी अच्छी थी, नहीं बोला मैंने। हमारा होम टाइम हो गया, हम छोटे यार, मेरा हमारा होम टाइम, मैं झबड़न लग रही हूँ, मजाक भी नहीं। क्या झबड़ा, व्हाट इज झबड़न? कहते हैं किसी ऐसे किसी की हालत खराब है, माइंड हो जड़ रही है। हां भाई, पढ़ाई धीरे कर रही है, जड़ को जड़। जल्दी दिखाओ माइंड कैसी लग रही है, बिल्कुल पढ़ाकू स्टूडेंट है। ये देखो माइंड, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, क्या होता है, टर्न अराउंड होता है, पीछे मुड़ो, पीछे। एक मिनट, उर्दू बोली है मैंने, क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा, सब चीजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हूँ। हाँ, करिए एक्सप्लेनेशन के लिए, करिए। और यहाँ लिखा हुआ है कि दिस इज दिस, ये है यार। उमना जी, मैं यहाँ अपनी बहन को समझाती हूँ, कजन को, अब उसका टाटा बाय बाय हो। अपेरेंटली रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गई थी, कहता हमारा फर्स्ट डे हो चुका है। और डिड यू गाइस एंजॉय? अब तो सबको हाइब्रो के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो अंटिल नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी होती है।